Hello boys and girls, myself Gaurav Vijayvargiye, your chemistry faculty, and I welcome you all to the Career Point YouTube channel, where we are giving you live classes in different subjects. And in this channel, we are providing you live classes for NTSC and class 10 board examinations, right? So we are doing carbonates compounds. We have already completed two lectures in this chapter. Now the third lecture of carbonates compounds, in this third lecture we are going to study about IUPAC nomenclature. ये IUPAC nomenclature इस chapter का one of the most important part है, and not only for this chapter, पर जब आगे chemistry पढ़ेंगे 11th-12th में chemistry को लेंगे तो वहां पर organic chemistry में IUPAC nomenclature बहुत important topic है. हमारे 10th standard में IUPAC nomenclature का बहुत base बना दिया जाता है, बहुत basic level पर IUPAC nomenclature आपको करना सिखा दिया जाएगा. तो हम यहां पर IUPAC nomenclature पढ़ेंगे. अब आप ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि IUPAC nomenclature है क्या. IUPAC nomenclature is a name given to different carbon compounds, where IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry, and nomenclature is a way in which we assign a particular name to a particular structure. IUPAC name बहुत unique names हैं. हर structure के लिए एक different IUPAC name given है. तो जब हम किसी भी structure का IUPAC नेम लिखते हैं तो वो उसका एक यूनिक नेम है, मींस उसकी यूनिक आइडेंटिटी है. जैसे आपके लिए आपकी यूनिक आइडेंटिटी आपका आधार नंबर होता है या आपका नेम होता है, उसी तरीके से यहां पर IUPAC नेम उस कंपाउंड का यूनिक आइडेंटिटी है. आई मेक यू श्योर दिस थिंग कि किसी भी एक स्ट्रक्चर का दो IUPAC नेम्स पॉसिबल नहीं है, उसके दो IUPAC नेम्स पॉसिबल नहीं है, या फिर किसी एक IUPAC नेम के दो स्ट्रक्चर भी पॉसिबल नहीं है. अगर ऐसा होता है, that means अगर किसी एक structure के हमने दो IUPAC names लिख दिए हैं, that means वो दोनों IUPAC name के same हैं, या फिर अगर मैंने एक IUPAC name से दोनों structures बना दिए हैं, so वो किसी ना किसी में same structures हैं, में कोई difference नहीं है. वो कैसे same हैं या कैसे different हैं, वो हम इसके इसमें जानेंगे. So हम IUPAC nomenclature start करते हैं आपके साथ. उससे पहले आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल तो आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ही चुके हैं. अपनी लाइव अपडेट्स के लिए अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम बहुत सारे एक साथ पढ़ें. जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, आप कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में टाइप कीजिए, मैं उसके आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द IUPAC nomenclature. Now, IUPAC nomenclature, जब भी हम किसी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने वाले हैं, IUPAC नेम लिखने वाले हैं, सो उस नेम को हमने बेसिकली तीन बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. किसमें? तीन बेसिक पार्ट्स में. वो तीन बेसिक पार्ट्स क्या हैं? दैट इज प्रीफिक्स, पेरेंट चेन प्लस सफिक्स. प्रीफिक्स प्लस पेरेंट चेन प्लस सफिक्स. आप सबको पता है पेरेंट चेन मतलब जो उसका मेन नेम है, प्रीफिक्स मतलब जो उस नेम से पहले आ जाएगा, एंड सफिक्स ऑब्वियसली जो उस नेम के बाद आएगा. तो हमने IUPAC नेम को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्रीफिक्स, पेरेंट चेन और सफिक्स. अब इसको और सिंपल करने के लिए मैंने इसको और इजी कर दिया आपके लिए. कैसे? मैंने इस तीन पार्ट्स की जगह इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. कैसे कर दिया मैंने इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड? प्रीफिक्स प्लस पेरेंट चेन. प्रीफिक्स प्रीफिक्स ही रखा है, पेरेंट चेन है. मैंने सफिक्स को, दिस सफिक्स आई हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इस सफिक्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. कौन से पार्ट्स में? प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स. आई हैव डिवाइडेड दिस सफिक्स इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. इज इट ओके? सो यहां पर सफिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन रीजन क्या है, मैं आपको समझाता हूं. अब जब सफिक्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड क्यों किया, बिकॉज सफिक्स आर बेसिकली टू टाइप्स. प्राइमरी सफिक्स में हम बात करेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन्स के लिए, और सेकेंडरी सफिक्स में बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की. So, उस बेसिस पे मैंने इसको अलग कर दिया है. क्यों अलग कर दिया? क्योंकि कोई भी IUPAC नेम, कोई भी IUPAC नेम बिना पेरेंट चेन के और बिना प्राइमरी सफिक्स के कंप्लीट नहीं हो सकता, जो इसका प्रीफिक्स पार्ट है. ऐसे IUPAC नेम्स हम पढ़ेंगे, हमारे ऐसे IUPAC नेम की स्टडी करेंगे जिसमें प्रीफिक्स नहीं होगा. ऐसे IUPAC नेम्स हम देखेंगे जिसमें सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा. पर एक भी IUPAC नेम ऐसा नहीं होगा जिसमें पेरेंट चेन और प्राइमरी सफिक्स नहीं होगा, जिसमें पेरेंट चेन और प्राइमरी सफिक्स नहीं होगा. हर IUPAC नेम में पेरेंट चेन और प्राइमरी सफिक्स तो होंगे ही होंगे. IUPAC नेम पेरेंट चेन और प्राइमरी सफिक्स से कंप्लीट हो सकता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी IUPAC नेम कंप्लीट है पेरेंट चेन और प्राइमरी सफिक्स से, उसमें प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं. पर मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी IUPAC नेम
इन दोनों के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। ऐसे आईयूपीएसी नेम होंगे जिसमें प्रीफिक्स नहीं होगा, ऐसे भी होंगे जिसमें प्रीफिक्स होगा, तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं। सिमिलरली सेकेंडरी सफिक्स वाले केसेस भी दोनों पॉसिबल है कि कुछ में सेकेंडरी सफिक्स होगा कुछ में नहीं होगा, पर एक भी आईयूपीएसी नेम ऐसा नहीं होगा जिसमें वर्ड रूट या पेरेंट चेन और प्राइमरी सफिक्स नहीं होगा। इट इज क्लियर टू यू? क्लियर? नाउ जो मैंने आपको बताया पेरेंट चेन क्या चीज है, अब पेरेंट चेन की जब मैं बात कर रहा हूं तो पेरेंट चेन का बेसिकली मतलब है इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पेरेंट चेन मुझे बता रही है कि मेरे कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं, कितने कार्बन एटम्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने होंगे वो पेरेंट चेन में काउंट होंगे। क्लियर? अगर मेरी चेन में फोर कार्बन है तो पेरेंट चेन में फोर उस चीज को इंडिकेट करेगा। वो कैसे इंडिकेट करेगा दैट आई विल टेल यू, बट पेरेंट चेन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें? इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं वो हमें पेरेंट चेन के थ्रू पता लगेगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में बात कर रहा हूं सफिक्स की, सफिक्स मुझे ये बताएगा कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्योंकि मैंने सफिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, सो प्राइमरी सफिक्स मुझे यह बताएगा कि मेरे कंपाउंड में, और ऑब्वियसली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड, उस कोवेलेंट कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से क्या प्रेजेंट है, और अगर प्राइमरी सफिक्स में, प्राइमरी सफिक्स में मुझे यह पता लगेगा कि सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिमिलरली जो सेकेंडरी सफिक्स है वहां पर हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उस चेन में अटैच हो जाते हैं, ठीक है, सो उनको हम सेकेंडरी सफिक्स में कंसिडर करेंगे। अब अगर मैं बात करूं प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स वो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स या वो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुए हैं, उसको मैं सब्स्टिट्यूएंट्स ब्रांच या साइड चेन बोलता हूं, और वो काउंट होते हैं प्रीफिक्स में। फिर से देखिए वो क्या होगा, द प्रीफिक्स टेल्स अस द आइडेंटिटी लोकेशन एंड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द कार्बन चेन। जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन मैंने सेलेक्ट करी है उसके अलावा अगर कुछ कार्बन एटम्स या कुछ कार्बन ग्रुप्स या कुछ हैलोजन्स वो प्रेजेंट रहते हैं तो उनको मैं सब्स्टिट्यूएंट्स बोलूंगा या साइड चेन बोलूंगा, तो वो मेरे को प्रीफिक्स में यूज करने होते हैं, वो मेरे नेम का प्रीफिक्स वाला पार्ट प्ले करते हैं। इज इट ओके? इज इट क्लियर? सो देखिए अब यहां पर प्रीफिक्स मतलब क्या है, व्हाट एंड वेयर द आर द सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं और कहां पर हैं, कहां पर है से मेरा मतलब है यहां पर नंबर्स भी आते हैं, यहां पर मैं नंबर्स की भी बात करूंगा, नंबर्स मीन 1, 2, 3 जो भी होंगे वो मैं यूज करूंगा। पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में मैं आपको बता चुका हूं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन इंडिकेट करेगा, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन की जगह मैं कई बार वर्ड रूट भी यूज करता हूं, व्हाट द वर्ड आई विल बी यूजिंग इंस्टेड ऑफ पेरेंट चेन, वर्ड रूट, उस वर्ड रूट क्या है उस कंपाउंड की। एंड द लास्ट पार्ट इज सफिक्स, जिसमें मैंने आपको बता दिया हम दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। इज इट ओके? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? देखो इसको समझना बहुत जरूरी है और बहुत मजेदार टॉपिक है, हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस टॉपिक को, बस आप इसमें फोकस रखिए और जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं साथ साथ पढ़ते चलिए, और साथ साथ जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे आईपीसी नेमिंग की उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में, आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हो रहे हो, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो भी आप लाइव चैट में टाइप कीजिए, मैं उसका आपको तुरंत आंसर दूंगा। आपको मजा आ रहे हैं ना, और मैं चाहता हूं कि ये फायदा आपके दोस्त भी उठाएं, तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट वी कैन एंजॉय एंड वी कैन मेक अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। फाइन, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस स्लाइड में पेरेंट चेन और वर्ड रूट की। पेरेंट चेन क्या है और वर्ड रूट क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया, अब उसको डिटेल में देखते हैं। जैसा कि मैं आपको भी बता चुका हूं, पेरेंट चेन या वर्ड रूट मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन क्या है, द पेरेंट पार्ट ऑफ द नेम टेल्स यू हाउ मेनी कार्बन आर इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इट टेल्स यू हाउ मेनी कार्बन आर देर इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मीन्स मेन कार्बन चेन में मेरे कितने कितने कार्बन एटम्स आते हैं। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से मेरा मतलब क्या है, उसको एक बार देख लीजिए थोड़ा सा अच्छे से। जैसे कि मैं कार्बन की चेन बनाता हूं, मैं कार्बन एटम्स को कनेक्ट करता हूं, ये मैंने फोर कार्बन एटम्स को कनेक्ट कर दिया।
अब इसमें ये चारों कार्बन चेन का, चारों कार्बन एटम एक ही चेन में, एक ही लाइन में आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं। मैं इसको पूरे चारों को एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूं विदाउट टेकिंग अ पेंसिल ऑफ फ्रॉम इट, ठीक है। मैं उनको एक ही बिना ब्रेक के चारों कार्बन को सेलेक्ट कर सकता हूं, यस और नो। पर अगर यही कार्बन इस तरीके से अटैच हो जाते तो अब मैं कंटिन्यूस कार्बन चेन में या तो इन तीन कार्बन को सेलेक्ट करूं, या इन चार कार्बन को सेलेक्ट करूं, या इन चार कार्बन को सेलेक्ट करूं, आप समझ रहे हैं। सो मुझे वो चेन सेलेक्ट करनी है जो मेरी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन उस जगह है। जैसे कि फॉर वन मोर एग्जाम्पल, ये मेरे कार्बन कंपाउंड लिखने हैं, आप इस स्ट्रक्चर को आप देखिए। अगर मैं सिंपल चेन सेलेक्ट करता हूं तो मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 5 कार्बन की। कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट करता मैं? 5 कार्बन की मैं चेन सेलेक्ट करता, क्लियर है। पर अब मेरे पास क्या और कुछ पॉसिबल ऑप्शंस थे? बिल्कुल थे। अगर मैं इस चेन की जगह ये चेन सेलेक्ट करता, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5। यहां पर मेरे पास कितने कार्बन है? 5 ही कार्बन है। अच्छा 1 2 3 4, पर ये तो 4 रह गए, 5 नहीं हुए। सो मुझे 5 कार्बन की चेन मिली। अब क्या कोई ऐसा पॉसिबल ऑप्शन है जहां पर मेरे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर देन 5 आ रहे हैं? अगर मैं इसको ऐसे काउंट करूं 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 कार्बन एटम्स एक अलग चेन बना रहे हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, विच इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। समझ रहे हैं मेरी बात को? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना रहे हैं, इज इट क्लियर। सो मैं यहां पर ये चेन सेलेक्ट करूंगा। यहां पर आपका एक डाउट और हो सकता है कि सर अगर मैं इसकी जगह, अगर मैं इसकी जगह ये कार्बन चेन सेलेक्ट करूं तो भी तो मुझे 6 कार्बन एटम्स की चेन मिल रही है। बिल्कुल 1 2 3 4 5 6, यस और नो? हाँ, तो इस केस में मैं कोई से भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि दोनों चेन मेरी 6 कार्बन की चेन है। जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक या दो, उससे ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो उसमें क्या करना था हम आगे देखेंगे, पर अभी के लिए हम कोई से भी दो चेन सेलेक्ट, दोनों में से कोई से भी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस स्ट्रक्चर में कुछ उससे डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है? सो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। द पेरेंट पार्ट ऑफ द नेम्स टेल यू हाउ मेनी कार्बन आर इन द लॉन्गेस्ट चेन। अब मेरी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कितने कार्बन है मेरी लॉन्गेस्ट चेन में? 6 कार्बन है मेरी लॉन्गेस्ट चेन में। सो उस बेसिस पे, 6 कार्बन के बेसिस पे मुझे इस चेन को एक नेम देना होगा जो 6 कार्बन के बेसिस पे उसका वर्ड रूट या उसका पेरेंट चेन होगा। इज इट ओके? सो अब 6 कार्बन होंगे तो उसका वर्ड रूट क्या होगा, 5 कार्बन होंगे तो वर्ड रूट क्या होगा, वो अब हम देख लेते हैं, क्लियर। सो हर ईच नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग हमने कुछ टर्म्स दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे कार्बन चेन में, इफ इन माय कार्बन चेन देयर इज वन कार्बन प्रेजेंट, दिस इज नंबर ऑफ कार्बन, अगर मेरी कार्बन चेन में एक कार्बन है तो मैं वर्ड रूट दूंगा मिथ, M-E-T-H। एक कार्बन है तो मेरी कार्बन का वर्ड रूट होगा मिथ, एक कार्बन तो वर्ड रूट होगा मिथ। दो कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगा इथ, दो कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगा इथ। तीन कार्बन प्रॉप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट। बात समझ में आ रही है? कोई डिफिकल्टी नहीं है अगर मेरी कार्बन चेन में सिर्फ एक कार्बन है, मतलब मेरी कार्बन चेन में सिर्फ एक कार्बन से मेरा मतलब है, अगर मेरी कार्बन चेन सिर्फ ऐसी है, दिस इज अ कार्बन चेन, यहां पर हाइड्रोजन लगे हुए होंगे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं पहले। हाइड्रोजन क्यों लगते हैं? बिकॉज हाइड्रोजन कार्बन का जिगरी दोस्त है, एकदम पक्का वाला दोस्त। तो जब भी कार्बन को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, मतलब जब भी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है, उसकी मदद करने कौन आ जाता है? हाइड्रोजन आ जाता है उसकी मदद करने, क्योंकि हाइड्रोजन उसका पक्का और सच्चा वाला दोस्त है, उसको अकेला नहीं छोड़ता। सो जब कार्बन सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, देयर इज ओनली वन कार्बन प्रेजेंट, सो उसका वर्ड रूट क्या होगा? मिथ। उसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा? मिथ। तो नेम में प्रीफिक्स के बाद जो पार्ट आ रहा है वो मिथ हो जाएगा। इज इट बात समझ में आ रही है आपको? सिमिलरली अगर दो कार्बन है तो इथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार कार्बन है ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर 6 कार्बन हुए हेक्स, 7 कार्बन हुए हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, और 10 कार्बन हुए तो डेक। आपको बात समझ में आ गई? अरे हाँ, है ना, तो बोलो, बात समझ में आ गई, क्लियर। सो अगर मेरी कार्बन चेन में एक कार्बन मिथ, दो कार्बन इथ, सिमिलरली हम चलते जाएंगे। अब आपको ये तो बहुत क्लियर है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये तो हमें याद है, हमें सिर्फ फोकस करना है इन तीनों पे।
मिथ इथ प्रॉप, और चलो फोर्थ पे भी कर लेते हैं व्यू, ठीक है। तो हमें इन चारों का ध्यान रखना है, फर्स्ट कार्बन मिथ, दो कार्बन इथ, तीन कार्बन प्रॉप, चार कार्बन व्यूट। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं एग्जाम्पल लेके। जैसे सपोज कीजिए मेरी कार्बन चेन ये है, अब इस कार्बन चेन में कितने कार्बन है, फोर, और लॉन्गेस्ट चेन में भी कितने कार्बन है, फोर। सो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट। इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट। बात समझ में आ रही है, इसका वर्ड रूट क्या हो गया, दिस ब्यूट इज द वर्ड रूट। अगर मेरी कार्बन चेन में एक और कार्बन या मैं लिंक कर देता हूं, पांच कार्बन है, तो क्या हो जाता है, वर्ड रूट पेंट। पर इसको आप इस तरीके से मत समझिए कि जितने कार्बन है उतना ही वर्ड रूट। सपोज कीजिए अगर मेरी चेन ऐसे है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब इसमें कार्बन कितने हैं टोटल, सिक्स, पर इसका वर्ड रूट क्या है, हेक्स है क्या, इसका वर्ड रूट क्या हेक्स है, नहीं, क्योंकि छह के छह कार्बन को मैं एक साथ एक चेन में कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, इन फोर कार्बन के बेसिस पे, या फिर इन फोर कार्बन के बेसिस पे, मतलब मैक्सिमम कार्बन जो इसमें आ सकते हैं वो फोर ही होंगे। सो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट। इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट। बात समझ में आई, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने वर्ड रूट देख लिया। अब वर्ड रूट का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, सफिक्स। मैं प्रीफिक्स को बाद में बताऊंगा, मैं पहले आपको सफिक्स बता रहा हूं। सफिक्स क्यों बता रहा हूं पहले, बिकॉज वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स मिलके आईयूपीएसी नेम को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ बेसिक पार्ट सफिक्स, सफिक्स अभी हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स की। अब मेरे पास तीन प्राइमरी सफिक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एन, इन और आयन। मेरा प्राइमरी सफिक्स या तो एन होगा या इन होगा या आयन होगा या इनका कॉम्बिनेशन होगा या फिर इनका कॉम्बिनेशन होगा, इन तीनों के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। आप बात समझ रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स या तो एन है या इन है या आयन है या इन तीनों में से किसी का कॉम्बिनेशन है, पर इट्स नॉट पॉसिबल कि इसके अलावा कोई फोर्थ ऑप्शन आके मेरा प्राइमरी सफिक्स बन जाए। अब एन कब होगा, जब यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, इन जब डबल बॉन्ड हो, और आयन जब एक भी ट्रिपल बॉन्ड अगर मेरे स्ट्रक्चर में आ गया है तो वो आयन हो जाएगा, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो इन, और अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के इसमें होगा ही होगा, वरना लिंक कैसे बनेगा, तो वहां पर एन आता है, वहां पर एन आता है। सेकेंडरी सफिक्स में हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की। सेकेंडरी सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप की बात हम चैप्टर में थोड़ा आगे जाने पे करेंगे, इस टॉपिक को थोड़ा आगे करेंगे, पहले हम सिर्फ प्राइमरी सफिक्स के एग्जांपल्स पे फोकस करेंगे ताकि हमें एक बार समझ में आ जाए कि हम चेन कैसे बना रहे हैं और नंबरिंग कैसे कर रहे हैं, नेमिंग कैसे कर रहे हैं, फिर हम फंक्शनल ग्रुप को उसमें आगे होकर एड ऑन कर देंगे। बिकॉज जब मैं पूरा आईपीसी सीख चुका हूं सेकेंडरी सफिक्स को छोड़ के, तो मुझे सिर्फ उसको एड ऑन करना रहेगा, तो वो इजियर वे है अप्रोच करने का। सेकेंडरी जो आपका सफिक्स है, जो फंक्शनल ग्रुप के आपके सफिक्स है, उसको मैं आपको लेटर इन द क्लासेस बताऊंगा। अब प्राइमरी सफिक्स जो मैं आपको बता चुका हूं वो कौन कौन से बता चुका हूं, देख लीजिए। द फर्स्ट वन इज द सफिक्स फॉर एन एल्केन इज एन। अगर एल्केन है तो सफिक्स एन है, सफिक्स एल्कीन के लिए इन है, और सफिक्स एल्काइन के लिए क्या है, आइन। एल्काइन के लिए सफिक्स क्या है, आइन। क्लियर, मतलब अगर एल्केन है ये ए एन ई है तो सफिक्स ए एन ई है, अगर एल्कीन ई एन ई आ रहा है तो सफिक्स ई एन ई, और वाई एन ई पे द सफिक्स इज वाइन। एन का एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, और एल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। मिनिमम वन या मिनिमम वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट, एंड वन और मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट। एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड के आते ही उसका नेम एल्कीन और एल्काइन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, फिर मुझे एल्केन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट ओके, इज इट क्लियर। एल्केन अगर एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं तो एल्केन है, एक भी डबल या एक भी ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया स्ट्रक्चर में तो फिर एल्केन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मुझे एल्कीन या एल्काइन के बेसिस पे उसका नेम लिखना होगा। इज इट ओके, इज इट क्लियर। आगे बढ़े, प्रोसीड करें। चलो, तो हमने अब क्या देख लिया, वर्ड रूट देख लिया, सफिक्स देख लिया, अब हम बात करेंगे किसकी, प्रीफिक्स की। किसकी बात करेंगे, प्रीफिक्स की। अब प्रीफिक्स क्या होते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि प्रीफिक्स वो कार्बन एटम्स हैं या वो हैलोजन्स हैं जो मेरे कार्बन चेन में नहीं इंक्लूड कर पाया मैं, जो मेरे वर्ड रूट में नहीं आए, वो कार्बन साइड चेन्स बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएंगे, हैलोजन्स में हैलोजन्स होंगे तो वो होंगे, ये मेरे प्रीफिक्स बनेंगे। अब जब ये प्रीफिक्स बनते हैं तो यहां पर थोड़ा सा चेंज आता है, वो चेंज कैसे आता है देखते हैं।
एनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच द मेन चेन ऑफ द मॉलिक्यूल. प्रीफिक्स क्या है? एनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच द मेन चेन ऑफ द मॉलिक्यूल. जो मेन चेन में नहीं है वो प्रीफिक्स है. अब प्रीफिक्स हैलाइड्स की बात करते हैं, हैलाइड्स प्रीफिक्स की बात करते हैं. हैलाइड प्रीफिक्स क्या है? देखिए अब यहां पर चार हैलोजन्स आपको पता है. हैलाइड मतलब क्या होता है? हैलोजन्स. आपने चार हैलोजन्स पढ़े, कौन कौन से? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. अगर क्लोरीन हैलोजन प्रेजेंट है उस चेन में तो उसका प्रीफिक्स मतलब उस नाम में आगे क्या वर्ड आ जाएगा? क्लोरो. क्या वर्ड आ जाएगा? क्लोरो. सी एच एल ओ आर ओ, क्लोरीन से क्लोरो. सिमिलरली फ्लोरीन फ्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो और आयोडीन से आयोडो. ये कहां पर आ जाएंगे? प्रीफिक्स मतलब उस वर्ड रूट जो हमने पढ़ा है उसके पहले जो नाम आएगा वो प्रीफिक्स कहलाता है और ये उसके पहले लिखाई में आएंगे. अगर ये एलिमेंट्स मतलब का मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर क्लोरीन प्रेजेंट है उस ब्रांच उस चेन में प्रेजेंट तो होगा नहीं, ब्रांच में आएगा तो उसका क्लोरो आ जाएगा. फ्लोरीन इज फ्लोरो, ब्रोमीन इज ब्रोमो एंड आयोडीन इज आयोडो. आपको याद रखने पड़ेंगे चारों, ये हम यूज करेंगे अभी. प्रीफिक्स का सेकेंड पार्ट है एल्काइल ग्रुप. अगर वो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन प्रेजेंट नहीं है या वो भी प्रेजेंट है पर उसके साथ एल्काइल ग्रुप भी आ जाता है तो वो भी प्रीफिक्स बनता है. अब यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, एल्काइल ग्रुप क्या है. मुझे एल्काइल ग्रुप समझना है. एल्काइल ग्रुप को आप बिल्कुल उस तरीके से समझिए जैसे आपने एल्केन एल्कीन एल्काइन देखे थे, ठीक है? तो अब एल्काइल ग्रुप क्या है? ये तीन मेरे एल्काइल ग्रुप है, ये तीन एल्काइल ग्रुप मेरे सामने है. इसमें देखिए क्या करना है. अगर मेरा CH3 है, CH3 का नाम क्या दिया है मैंने? मिथाइल. CH2CH3 मतलब ये दो कार्बन अगर उस चेन में नहीं काउंट हुए हैं तो इसका वर्ड नेम क्या है? इथाइल. और अगर ऐसे तीन कार्बन आ गए हैं जो उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है तो उसमें नेम लिखेंगे हम प्रोपाइल. उसमें नेम लिखेंगे प्रोपाइल. अब इसको बहुत ध्यान से समझिए, मिथाइल कैसे लिखा हमने नेम या मिथाइल ही क्यों लिखा? CH4 याद है एल्केन, इसका नेम क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मिथेन इज द नेम ऑफ दिस एल्केन, मिथेन. मिथेन में से जब मैंने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो मुझे मिला CH3. मिथेन माइनस वन हाइड्रोजन इज CH3. सो यहां पर ये एन की जगह YL आ जाएगा, एल्केन से एल्काइल बन जाएगा. मतलब बेसिकली इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं एल्केन माइनस हाइड्रोजन इज एल्काइल, इज एल्काइल. तो एल्केन के ए एन ई की जगह, एल्केन की ए एन ई की जगह वाई एल लग जाएगा. क्या लग जाएगा? वाई एल, ए एल के वाई एल. तो ये ए एल की ए एन ई की जगह क्या आ जाएगा? वाई एल. एल्केन से एल्काइल बन जाएगा. बात समझ रहे हैं? CH4 माइनस हाइड्रोजन CH3, CH3 क्या बोला? मिथाइल. C2H6 क्या था? दो कार्बन इज इथ, वर्ड रूट इज एन, तो इथेन. इथेन C2H6 था, यहां पर क्या हो गया? C2CH3. इसको हम शॉर्ट में C2H5 भी लिख सकते हैं. C2H5 क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा. C2H5 दिस इज इथाइल, दो कार्बन और पांच हाइड्रोजन. CH2CH2CH3 दिस इज प्रोपाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल. ये एक हाइड्रोजन कम हुआ क्यों? आप ये देखेंगे तो यहां पर हमने बॉन्ड शो कर रखा है क्योंकि ये साइड चेन या ये ब्रांच या ये सब्स्टिट्यूएंट उस कार्बन चेन के किसी ना किसी कार्बन से लिंक्ड होंगे ना. सो वो यहां पर वो ये बॉन्ड है जो उनको उस कार्बन चेन से लिंक करके रख रखा है. हमने उस कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में उसको नहीं गिना है पर यह उससे लिंक्ड है. बात समझ में आ रही है आपको? सो दिस इज एल्काइल ग्रुप. बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा प्रीफिक्स के लिए एल्काइल ग्रुप को, एल्केन माइनस वन हाइड्रोजन इज एल्काइल ग्रुप, एल्केन माइनस वन हाइड्रोजन इज एल्काइल. अगर मेरा मिथेन है तो मिथाइल बन जाएगा, इथेन है तो इथाइल बन जाएगा, प्रोपेन प्रोपाइल, ब्यूटेन ब्यूटाइल, पेंटेन पेंटाइल एंड सो ऑन. आपको समझ में आ गया? पर ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट कभी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से बड़ी नहीं हो सकती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारा क्या रूल है या क्या टारगेट है? हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है. मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, यहां पर हमने कंपेयर किया हम सही और गलत में क्या गलती करते हैं. आप नोटिस करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है,
यहां पर भी आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है। इस वाले स्ट्रक्चर में मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन काउंट करी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर। इस वाले स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 ये चेन काउंट करिए। देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि चेन बेंटेड है या स्ट्रेट है या थोड़ी सी, उससे फर्क नहीं, स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए बीच में, कहीं ब्रेकअप नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। सब देखिए ये 8 कार्बन की चेन है और ये 7 कार्बन की चेन है, तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सो यहां पर हमारा करेक्ट कौन सा है, ये करेक्ट है, वो क्या हो गया इनकरेक्ट। ये करेक्ट कब होता, जब मैंने ये चेन चूज की होती 5 के बाद 6 7 और 8, बात समझ में आ गई। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जैसा कि मैंने आपको बोला इट डज नॉट मैटर दैट द चेन इज स्ट्रेट और बेंड, चेन में बेंड है या नहीं है, वो स्ट्रेट है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको क्लियर है। जैसा कि इसने एग्जांपल में बताया यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यही अगर 8 ऐसे में काउंट कर रहा हूं तो भी वो 8 कार्बन की चेन ही मानी जाएगी और वो ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, बात समझ में आ गई। तो अब इसमें जैसे मैंने 8 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी तो इसका क्या हो जाएगा वर्ड रूट ऑक्ट, इसका वर्ड रूट क्या हो गया ऑक्ट। अब हम फिर वर्ड रूट की बात करेंगे, क्योंकि ये कार्बन और ये दोनों कार्बन बनेंगे प्रीफिक्स, ये बन गए हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में इसका क्या होगा उसकी बात में करते हैं, पर वर्ड रूट क्या हो गया ऑक्ट। अब इसको क्या चाहिए, सिर्फ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देख के इसका प्राइमरी सफिक्स लिख देंगे जो कि हो जाएगा एन, तो ऑक्टेन हो गया। अब प्रीफिक्स में ये एक कार्बन मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन लगेंगे, दिस इज मिथाइल, यहां पर C2H5 इथाइल, सो ये क्या है मिथाइल और ये क्या है इथाइल, और फिर ये इसमें एड ऑन हो जाएंगे तो उससे हमारा इसका नेम पूरा होता है। खैर हम ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, हम सिर्फ अभी यहां पे फोकस करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे, किस पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे, तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना आ गया, हमने कैसा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, सेकंड देखते हैं। नोट दैट इफ देर आर टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अगर मेरी चेन इस तरीके की चेन हुई कि इक्वल लेंथ की दो चेन्स मुझे मिल गई हैं, तो मैं कौन सी चेन को पिक करूंगा, आई विल पिक द चेन विथ मोर सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब मोर साइड चेन्स, मतलब मोर ब्रांचेस, दो चेन है दोनों के लॉन्गेस्ट कार्बन बराबर है तो मेरे को उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें ब्रांच ज्यादा मिल रही हो, जिसमें साइड चेन्स ज्यादा मिल रही हो। एग्जाम्पल देखते हैं, ये एक कार्बन चेन है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन हो गई है, क्लियर। अब इसमें एक ये सब्स्टिट्यूएंट और एक ये सब्स्टिट्यूएंट, कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं मुझे, दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, 7 एटम्स इज द लॉन्गेस्ट चेन एंड 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, क्लियर। इधर देखते हैं, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन, जैसे कि यहां पर भी बनाई जा सकती थी, तो 7 कार्बन की चेन कितने सब्स्टिट्यूएंट, ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, पूरा ग्रुप एक ही है, ऑल्दो कार्बन इसमें भी 3 है और इसमें भी टोटल कार्बन तो 3 ही आएंगे, पर यहां पर दो ब्रांचेस मिली है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स मिले, यहां पर कितने सब्स्टिट्यूएंट मिला, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मिला, तो ऑब्वियसली जहां कम है उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो करेक्ट हो जाएगा 2 सब्स्टिट्यूएंट्स वाला, क्लियर। सेकेंड रूल, नंबर द एटम्स इन द कार्बन चेन टू गिव द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट द लोवेस्ट नंबर। अब देखिए हमने ब्रांच की बात करी, सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करी, कब सेलेक्ट किया हमने, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने ब्रांच सेलेक्ट करी, पर उससे नेम कैसे करेंगे, हमें कार्बन को नंबर देना पड़ेगा, हमारी कार्बन चेन को हम नंबर्स प्रोवाइड करेंगे जो नंबर्स फिर उस की ब्रांच की और सब्स्टिट्यूएंट्स की लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए काम आते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूएंट इस नंबर पर प्रेजेंट था, ये सब्स्टिट्यूएंट इस वाले नंबर पर प्रेजेंट था। तो अब मेरे को जब वो नंबर देना है कार्बन चेन को, जब मैं दे रहा था आपके सामने 1 2 3 4 6 7 8, वो किस तरीके से दूंगा, नंबर देते टाइम मुझे यह ध्यान रखना है कि जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां पर ऑक्यूपाई करें, लोवेस्ट नंबर को, मतलब मिनिमम नंबर शुड बी गिवन टू द सब्स्टिट्यूएंट्स, तो उस तरफ से मेरे को नेमिंग करनी है या उस तरफ से मुझे नंबरिंग करनी है जहां से मैं सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिनिमम दे सकूं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक चेन हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की चेन। अब अगर मैं इस कार्बन को 1 बोल रहा हूं, इस कार्बन को 2, ये कार्बन हो गया मेरा 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये वाला 6th, ये 7th और ये 8th कार्बन हो गया, क्लियर, 8 कार्बन हो गए।
अब ये वाले कार्बन का नंबर क्या मिला? 2। मतलब ये जो ब्रांच है, ये जो साइड चेन है, या कहां पर प्रेजेंट है? सेकंड नंबर पर प्रेजेंट है। ये वाली ब्रांच कहां पर प्रेजेंट है? ये दो कार्बन की ब्रांच, ये 5 नंबर पर प्रेजेंट है, 5th नंबर पर प्रेजेंट है, समझ आ रही है? और ये जो ब्रांच थी, ये कहां प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है 6th नंबर पर। तो यहां पर तीन ब्रांचेस हैं, एक सेकंड कार्बन पर, एक 5 कार्बन पर, और एक 6 कार्बन पर। अब इसी की नंबरिंग अगर मैं उल्टी करता हूं, मतलब मैं इधर से नंबर करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस 3 इज गिवन टू दिस 1, ठीक है, फाइन। सो अब यहां पर अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट पे कोई ब्रांच नहीं है, सेकंड पे कोई ब्रांच नहीं है, ब्रांच कहां पर आई है? ये वाली थर्ड नंबर के कार्बन पर। कौन से कार्बन पर? थर्ड नंबर के कार्बन पर। और इधर से नंबरिंग करते हुए सेकंड पर ही ब्रांच आ गई थी, तो मेरे को कौन सी ब्रांच को प्रेफर करना है? इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड नंबर पहले मिला ना, सो आई एम गोइंग विद द लेफ्ट हैंड साइड वन। समझ में आ गया आपको? जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिनिमम नंबर, यहां से फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिला सेकंड, यहां से नंबर मिला थर्ड, तो कौन सा सेलेक्ट किया? सेकंड वाला। इज इट ओके? नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। इफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, जो मेरा पहला सब्स्टिट्यूएंट था, उसका सेम डिस्टेंस है दोनों तरफ से, मतलब उसको दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है, उसको दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देनी होगी। मतलब मुझे जब दोनों साइड से फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का नंबर सेम है, तो जो दोनों में सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा या सेकंड ब्रांच आएगी, उसका मुझे ध्यान रखना है कि मैं उसको कौन सा नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं, और मुझे उसको मिनिमम नंबर प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने देखा सेकंड नंबर के कार्बन पर यह कार्बन है, इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो भी सेकंड नंबर के कार्बन पर ये कार्बन है, पर जब इधर से नंबरिंग करी तो ये वाला कार्बन आया थर्ड पे, ये कार्बन आया थर्ड पे, पर जब मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहा था तो ये इस कार्बन को नंबर मिला था 4, इसको नंबर मिला था 4। बात समझ रहे हैं? सेकंड सेकंड दोनों में सेम आ गया। अब ये थर्ड वाला लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड आ रहा है, और इधर से लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, तो ये कार्बन फोर्थ पे आ रहा है। जब हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये कार्बन फोर पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं नंबरिंग किधर से करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड से। द करेक्ट वन इज दिस वन, लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर? तो उस बेसिस पे मुझे नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हेन नंबरिंग अ कार्बन चेन रिजल्ट्स इन द सेम नंबर फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द चेन, असाइन द लोअर नंबर अल्फाबेटिकली, असाइन द लोएस्ट नंबर अल्फाबेटिकली। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फर्स्ट ब्रांच वाला कार्बन दोनों तरफ सेम आ गया, और हो सकता है उसमें सिर्फ एक ही ब्रांच प्रेजेंट हो, या उसमें दो ब्रांचेस प्रेजेंट हैं और दोनों के नंबर सेम आ रहे हैं, सो मुझे लोवेस्ट नंबर उसको असाइन करना है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ ब्रांच एंड दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच, इसका नंबर है 3 और इसका नंबर है 5। जब मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहा हूं जैसे मैंने उसमें किया है, सो इसको मिल जाएगा 3rd और इसको मिलेगा 5। मतलब नंबर इधर से लेफ्ट हैंड साइड से भी 3 और 5 आ रहे हैं, और राइट हैंड साइड से भी नंबर 3 और 5 आ रहे हैं, तो अब सही नंबरिंग कौन सी है? अब मैं नेम देखूंगा ब्रांच का, इसका नेम है मिथाइल, इसका नेम है इथाइल, ठीक है? तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले क्या आता है? ई। मतलब कि अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? इथाइल। जब इथाइल पहले आएगा तो इथाइल ग्रुप को नंबर पहले दूंगा, मतलब ये वाला ऑर्डर फिर से सही है। क्यों? क्योंकि थर्ड नंबर किसको देना है? इथाइल को। आप समझिए इसको दोबारा से, दो ग्रुप है मेरे पास, एक मिथाइल एक इथाइल, इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो इथाइल को, मिथाइल को पहले मिल रहा है, इथाइल को बाद में मिल रहा है। राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहा हूं तो इथाइल को पहले मिल रहा है, मिथाइल को बाद में मिल रहा है, तो मैं फिर नंबरिंग कर देता राइट हैंड साइड से, जो कि इस केस में लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है कि इथाइल को नंबर पहले देना, इथाइल एट C3, मिथाइल एट C5, इन दिस केस मिथाइल एट C5 एंड इथाइल एट C3, सो हमारा इथाइल एट C3 को सही नंबर देना है। क्लियर है? नेम एंड नंबर्स द सब्स्टिट्यूएंट्स। अब जो नंबर और नेम उन सब्स्टिट्यूएंट्स को हम दे देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पर हमने मिथाइल को C2 दे दिया है, मतलब सेकंड नंबर दे दिया है, यहां पर हमने इस मिथाइल को 6 नंबर दिया है, इस वाले को 5 नंबर दिया है, सो ऐसे हम उसको नंबर दे देंगे। फिर नंबर देने के बाद करेंगे नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स एज एल्काइल ग्रुप, उस सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे। मैं आपको बताया जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, एवरी कार्बन, एवरी कार्बन बिलोंग्स टू आइदर द लॉन्गेस्ट चेन और अ सब्स्टिट्यूएंट। ऐसा कोई भी कार्बन नहीं होगा जो छूट जाए, या तो सारे कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में काउंट करें, अगर लॉन्गेस्ट चेन के बाद जो कार्बन बच रहे हैं वो कहां चले जाएंगे?
साइड चेन या ब्रांचेस में चले जाएंगे, वो कहां चले जाएंगे, साइड चेन या ब्रांच में, और उस अकॉर्डिंग हम उसको करेंगे। इज इट ओके? थर्ड इज ईच सब्स्टिट्यूएंट नीड्स इट्स ओन नंबर, हर सब्स्टिट्यूएंट का एक खुद का नंबर होगा, वो किस कार्बन पर आया है वो नंबर मुझे बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे इसको याद रखनी पड़ेगी। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट आए हैं तो मुझे दोनों को अलग अलग नंबर देना है, तीन आए हैं तो तीनों को अलग अलग नंबर देना है, सेम एक जैसे दो आए तो भी उनको अलग अलग नंबर देना है, हर सब्स्टिट्यूएंट का एक खुद का नंबर होगा। नेक्स्ट इज इफ टू और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर एक जैसे दो या उससे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो मैं उनको, दो हो तो टू के लिए डाई लिखते हैं, ट्राई फॉर थ्री, एंड फोर के लिए हम टेट्रा वर्ड यूज करते हैं, सो उस अकॉर्डिंगली उसको डाई ट्राई टेट्रा बोल देंगे, उसको लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ये सेकेंड कार्बन पे क्या है, मिथाइल, फाइव कार्बन पर क्या है, इथाइल, और सिक्स कार्बन पर फिर क्या है, मिथाइल। सो अब यहां पर दो मिथाइल हो गए ना, तो मेरे नेम में क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल, नेम में क्या जाएगा, डाई मिथाइल, क्योंकि टू के लिए क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, डाई, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल हैज थ्री सब्स्टिट्यूएंट्स बॉन्डेड टू द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और कार्बन चेन एट कार्बन की है। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, एग्जाम्पल्स पे आ जाए, एक रूल और है फिर एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। अभी तक मैंने जो पढ़ा, दैट इज नेम एंड नंबर द सब्स्टिट्यूएंट्स, कंबाइंड सब्स्टिट्यूएंट नेम्स एंड नंबर्स। अब मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम दे दिया है, मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम्स दे दिए हैं और नंबर्स दे दिए हैं, अब मैं इसको, और पेरेंट चेन मुझे पता है, तो अब मैं इन सबको कंबाइन कर दूंगा, किन चारों को, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि प्रीफिक्स हैं उसका नेम और नंबर को, फिर पेरेंट चेन को, और फिर सफिक्स को, इन सबको कंबाइन करके एक नेम ड्राइव कर दूंगा, नेम बना दूंगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने हैं वो फटाफट देखिए क्या है, प्रीसीड द नेम ऑफ द पेरेंट चेन बाय द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। जो मेरी पेरेंट चेन है, जो मेरी पेरेंट चेन है उससे पहले क्या आएगा, नेम किसका, सब्स्टिट्यूएंट्स का, पेरेंट चेन के नेम से पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम आएगा। सेकेंड चीज, अल्फाबेटाइज द नेम्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इग्नोरिंग ऑल प्रीफिक्सेस एक्सेप्ट आइसो एज इन आइसोप्रोपाइल एंड आइसोब्यूटाइल। आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल के केस में मुझे आइसो वर्ड को कंसिडर करना है, पर जो मैंने भी पढ़ा था डाई ट्राई टेट्रा, उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर को इग्नोर करते हुए उसके मेन प्रीफिक्स पे जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। हर सब्स्टिट्यूएंट के नेम से पहले उसका नंबर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर सब्स्टिट्यूएंट के नेम से पहले उस सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आएगा कि वो कहां पर प्रेजेंट है। बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, पर हम जब एग्जांपल्स करेंगे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। सेपरेट नंबर्स बाय कॉमास एंड सेपरेट नंबर्स फ्रॉम लेटर्स बाय हाइफंस। जब दो नंबर एक साथ आएंगे तो उसके बीच में हम कॉमा यूज करेंगे, और जब नंबर और अल्फाबेट एक दूसरे को लिंक करेंगे तो हम वहां पर हाइफन यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? द नेम ऑफ एन एल्कीन इज अ सिंगल वर्ड विथ नो स्पेसेस आफ्टर हाइफंस एंड कॉमास। द नेम ऑफ एन एल्कीन इज अ सिंगल वर्ड विथ नो स्पेसेस हाइफंस एंड कॉमास। क्लियर? इसका एक पहले इस फोर्थ पॉइंट का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि ये हो गया, मुझे क्या कंप्लीट करना है, नेम, नेम एंड नंबर्स, पेरेंट एंड सफिक्स, फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई ऑल द पीस ऑफ अ कंपाउंड। अब इसमें क्या क्या है, ये मेरी एट कार्बन चेन है, ठीक है, सेकेंड नंबर पर कौन सा कार्बन है, एक कार्बन मतलब CH3 मतलब मिथाइल, फिफ्थ नंबर पर इथाइल, और सिक्स नंबर पर फिर से मिथाइल, ये रहा मिथाइल। तो मुझे क्या बताना है, मिथाइल कहां पर है, टू पे, मिथाइल एट C2 जो मैंने लिखा है, इथाइल कहां पर है, फाइव पे, और ये मिथाइल कहां पर है, सिक्स पे। सो बेसिकली दिस इज टू मिथाइल एंड दिस इज सिक्स मिथाइल, तो मैं 2.6 डायमिथाइल लिख दूंगा एक साथ, मैं क्या लिख दूंगा एक साथ, 2.6 डायमिथाइल। इज इट ओके? राइट हैंड साइड पे देख रहा हूं, तो मैंने जो बोला था आपसे सब्स्टिट्यूएंट नेम एंड नंबर्स, मतलब सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक तो ये और एक ये, तो इसकी जगह तो मैंने कॉमन लिख दिया 2.6 डायमिथाइल, 2.6 डायमिथाइल, और ये क्या हो गया, 5 इथाइल। दो ब्रांचेस थी, एक हो गई 2.6 डायमिथाइल और एक हो गया 5 इथाइल। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में M पहले आएगा कि E पहले आएगा, इथाइल का E पहले आएगा, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 5 इथाइल, फिर लिख दूंगा 2.6 डायमिथाइल। ये हो गया प्रीफिक्स, दिस इज ओनली प्रीफिक्स, ये क्या है, प्रीफिक्स। अब मैं बात करूंगा वर्ड रूट की, कितने कार्बन थे, 8 कार्बन, तो वर्ड रूट हो गया ऑक्ट,
वर्ड रूट हो गया ऑक्ट। पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी एक भी डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में? नहीं है। सहायक है सिंगल बॉन्ड, तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? एन। तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? एन। मतलब ये क्या है? एल्केन। तो इसका नाम कैसे बनेगा? आप इसको कंबाइन कर दो, 5-ethyl 2,6-dimethyl octane। बात समझ में आ गई? 5-ethyl 6-dimethyl octane। ऑक्टेन सब साथ में आ जाएंगे, एक नाम कंप्लीट हो जाएगा। इज इट ओके? समझ में आ गया? तो ये हमारा आईपीसी नॉमिनेशन का बेसिक था। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, पर अभी तक हम एल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, और ये CH2 CH3, ये उसका कंडेंस्ड फॉर्म है, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने कार्बन प्रेजेंट है? 6। इसके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 1, 2, 3 कार्बन पर, यहां पर एक कार्बन और एक कार्बन और प्रेजेंट, ठीक है। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो सकती है? इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या तो ये हो सकती है 6 कार्बन की, या फिर ये भी हो सकती है 6 कार्बन की। दोनों पॉसिबिलिटीज सेम है, बिकॉज दोनों में एक एक ही ब्रांच आ रही है। सो लेट्स टेक, मैंने ये वाली चेन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान लिया है, ये वाली चेन को मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान लिया है। सो अब यहां पर क्या होगा? First, second, third, fourth, fifth, and sixth। और अगर राइट हैंड साइड से नंबरिंग करूंगा तो 1, 2, 3, 4। लेफ्ट हैंड साइड से जब नंबरिंग कर रहा हूं तो इसको नंबर मिल रहा है 3rd, राइट हैंड साइड से कर रहा हूं तो इसका नंबर मिल रहा है 4। मतलब नंबरिंग किधर से करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड से। सो ये हो जाएगा, ये क्या है? इथाइल 3-ethyl, ये हो जाएगा 3-ethyl। वर्ड रूट क्या है इसका? 6 कार्बन मतलब हेक्स, और कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन लग जाएगा, 3-ethyl hexane, 3-ethyl hexane इसका नेम हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 3-ethyl hexane, 3-ethyl hexane। बात समझ में आ गई? चलिए सेकंड का आप कीजिए, इसका नेम करो। मैं करूं? चलो मैं ही करता हूं फिर से। अब इसमें पूरी चेन एक साथ दे रखी, लॉन्गेस्ट चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। अगर मैंने राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर दी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप देखिए, राइट हैंड साइड से जब नंबरिंग कर रहा हूं तो फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन पर प्रीफिक्स आ रहा है, ब्रांच आ रही है, और जब लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहा हूं तो यही चीज थर्ड और फोर्थ पे आ गई है। तो नंबरिंग किधर से करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड से, ये कंफर्म है, नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से। इसका वर्ड रूट 7 कार्बन के अकॉर्डिंग आएगा, और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो वो एल्केन हो जाएगा। सो इसका नेम क्या होगा? प्रीफिक्स क्या है इसका? ब्रोमो, BRS फॉर ब्रोमो, बताया था आपको। कौन से पे प्रेजेंट है? 3 और 4 पे, और कितने ब्रोमो प्रेजेंट है? 2, तो हो जाएगा 3,4-di-ब्रोमो। ये तो प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट कितना है 7 कार्बन का? हेप्ट, ब्रोमो हेप्ट एन। द करेक्ट नेम इज 3,4-di-ब्रोमो-हेप्टेन, 3,4-di-ब्रोमो-हेप्टेन। चेक करें, 3,4-di-ब्रोमो-हेप्टेन, 3,4-di-ब्रोमो-हेप्टेन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सो यहां पर हम आईपीसी नॉमिनेशन को समझ पा रहे हैं। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं आज की क्लास का, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और तब तक, जब तक मेरा सेकंड लेक्चर आएगा इस पे, आईपीसी नॉमिनेशन पे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन बैंक्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप सीपी का मॉड्यूल स्टफ प्रेजेंट कीजिए, क्वेश्चन बैंक परचेज कीजिए, और इसके जितने क्वेश्चंस आप लगाना चाहें लगाइए, तभी आप सीख पाएंगे, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसका थर्ड और लास्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं आज की क्लास का, और मैं चाहता हूं कि मैं उसके लिए आपको पूरे 40 सेकंड्स दूंगा, और उसका नेम मैं पहले कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा, फिर मैं उसका नेम बताऊंगा।
ठीक है. सो लेट्स होप कि आप उसका नेम खुद लिख पाए. द फोर्थ वन इज दिस वन. सर ये क्या हुआ? एक्चुअली मैंने यहां पर आपको लाइन डायग्राम दे दिया है. लाइन डायग्राम मतलब मैंने इसी स्ट्रक्चर को लाइंस में ले आया हूं. आपके लिए मैं इसको इजी ये कर देता हूं. चलिए एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं. मैं आपको खुद एक नेम देता हूं, आप उसका नेम लिखिए. नेम मुझे लिख के बता दीजिए फटाफट से, जल्दी से. मैं पूरे 30 सेकंड्स वेट करूंगा इसके नेम के आपके लिए, और अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं इसका नेम लिखूंगा. आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है इसकी वर्ड रूट क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, फिर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, जो साइड चेन्स हैं, उनको नंबरिंग देनी है जिधर से लोवेस्ट नंबर पॉसिबल हो, यस और नो. और उसके बाद यह देखना है कि इसमें सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कुछ है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस अकॉर्डिंग प्राइमरी सफिक्स यूज करना है. ठीक है, तीन चीजें, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, उन तीनों से आप ज्वाइन करिए और आपको नेम मिलेगा. मिला? मैं स्टार्ट करूं नेम बताना? चलो मैं स्टार्ट करता हूं. देखिए कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है. अगर मैं 1 2 3 4 5 6 डाउन भी जा सकता हूं या मैं 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट भी ले सकता हूं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा. तो मैंने सेलेक्ट करी ये स्ट्रेट चेन. क्लियर? अब इसके बाद करूंगा नंबरिंग. अगर मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, सो इसको नंबर मिला है 3 और इसको नंबर मिला है 5. मतलब पहली ब्रांच आई 3rd पे और दूसरी ब्रांच आई 5 पे. पर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करता हूं अगर, तो मुझे मिलेगा नंबर 1 1 2 3 4 5 6. मतलब पहली ब्रांच या पहला सब्स्टिट्यूएंट आ गया नंबर 2 पर और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आ गया नंबर 4 पर. पहला कहां पर आ गया? 2 पर. जबकि उधर से नंबरिंग करते हैं फर्स्ट कब आ रहा था? 3rd पर. तो ऑब्वियसली 2 प्रायोरिटी पे होगा. सो मैं नंबरिंग करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से, नंबरिंग करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से. तो इसका नेम क्या हो जाएगा? दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल. 4 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल. लिखूंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग. अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा? इथाइल. मींस 4 इथाइल, फिर आएगा 2 मिथाइल. 4 इथाइल, 2 मिथाइल. कितने कार्बन? 6 कार्बन, दैट इज हेक्सेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है. तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर दिस वन. सही था कुछ का? ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको हम करेंगे. क्लियर? तो यहां पर हम आज क्लास को रोक रहे हैं. आईयूपीएसी नॉमिनक्लेचर का हमने पहला पार्ट किया है, एल्केन्स की नॉमिनक्लेचर की है. अभी हमें आगे एल्कीन्स, एल्काइन, साइक्लो एल्केन्स, फंक्शनल ग्रुप सब देखने बाकी है. हम इसको और आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, पर उसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी और इसको रिवाइज करके आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलिए. तब तक के लिए आई एम गौरव विजयवर्गीय थैंकिंग यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.